चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे ने, सीधा लैक चलते हाँ। पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर आम आदमी पार्टी कामों की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की चर्चा हो रही है। मोटे मोटे तौर पे तीन ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक दो पार्टियां और हैं जो लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तीन पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज समय है, जब हम नेशनल काउंसिल में भी मिल रहे हैं, तो अपनी विचारधारा पे एक बार फिर से बात करने का कि आम आदमी पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा के तीन स्तंभ हैं, थ्री पिलर्स। नंबर एक, कट्टर देशभक्ति। हम कट्टर देशभक्त लोग हैं। ये कट्टर शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्योछावर है, सब कुछ न्योछावर कर देंगे। देश पहले है, परिवार बाद में है, और मैं और भी बाद में हूँ। आदमी स्वयं बिल्कुल लास्ट में है, सबसे पहले देश है। देश के लिए सर भी कटाना पड़े, देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करना पड़े, देश के लिए परिवार भी अगर न्योछावर करना पड़े तो मंजूर है हम लोगों को। तो कट्टर देशभक्ति, दूसरा कट्टर ईमानदारी। बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। हमारी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी, रामलीला मैदान से हमारी उत्पत्ति हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। तो कट्टर ईमानदारी, हम ईमानदारी से काम करने के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए आए हैं, देश की घर भरने के लिए नहीं आए। वो तो ये लोग कर ही रहे थे, 70 साल से ये लोग कर ही रहे थे। अगर बेईमानी करनी होती तो आम आदमी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी, बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते, वहीं कोई एमएलए बन लेते, पैसा कमा लेते, ये करने थोड़ी आए थे। तो कट्टर ईमानदारी। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री में के बारे में जरा सा पता चलने पे अपने मंत्री तक को जेल भेज देती है, और कोई पार्टी नहीं है भारत के इतिहास में जो अपने अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दे। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री को जेल भेज देती है अगर पता चल जाए कुछ गड़बड़ कर। तो कट्टर ईमानदारी, ये हमारा दूसरा स्तंभ है। और इंसानियत, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये नहीं करना। सारे इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब इंसान बराबर हैं। और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान का की सेवा करना।